नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। कर्नाटक की सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है चेंज हो गई है। तो आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले इलेक्शन का डेट रिलीज कर दिया गया था। तो इलेक्शन का डेट जो है कर्नाटक का सीईटी एग्ज़ाम के साथ क्लैश हो गया है। इसी के वजह से KEA ने जो अथॉरिटी है कर्नाटका में एग्जामिनेशन के, उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। अब डेट्स कहाँ पर चेंज हुई है, कर्नाटक के CET एग्जामिनेशन कौन से स्ट्रीम के लिए होता है, वो मुझे आपके साथ शेयर करना है, ताकि आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो ये बाकी के डिग्री में एडमिशन लेना चाहता हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं कि रीशेड्यूल कहाँ पर हो गई है। ये आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि पहले जो डेट्स था अप्रैल 23, 24 और 25 को थी, लेकिन फिर जो है इलेक्शन का डेट आई और उसी की वजह से डेट्स जो है शिफ्ट कर दी गई है और नई डेट्स अप्रैल 29, 30, मई 1 को है। तो ये जो डेट शिफ्ट हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के सीईटी एग्जामिनेशन के थ्रू कौन कौन से स्ट्रीम, कौन कौन से डिग्री में आपको एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन जो है बैचलर इन वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, BSc एग्रीकल्चर, BSc सेरिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, बैचलर इन फार्मा, ये सभी डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये डेट्स जो है शिफ्ट हो गई है। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।